सीधे वरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ वो लगातार मैनपुरी से बने हुए हैं। वरेश जी देखिए, अखिलेश के करहल में आज योगी आदित्यनाथ दम दिखाते हुए दिखाई देंगे। आज की जो तस्वीरें हैं वो किन मायनों में खास है और कितनी खास है वो जरा बताएं। देखिए, अपनी पूरी ताकत अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे ने कल करहल और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां दिखाया और ऐसी ताकत दिखाया, ऐसी भीड़ थी वहां पर कि देखते बना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री भी होंगे तो अखिलेश यादव अभी घर के अंदर हैं। सैफई का ये वो घर है जो मुलायम सिंह का, नेताजी का, अखिलेश यादव का, उनका ये पैतृक घर है और यहां से अखिलेश यादव कानपुर के लिए निकलेंगे। कानपुर में योगी आदित्यनाथ भी होंगे तो अखिलेश यादव भी होंगे और योगी आदित्यनाथ करहल में होंगे और साथ ही साथ जो आसपास के जगह हैं वहां भी होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री काउंटर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कल अखिलेश यादव ने कहा इसी करहल में कि बूथ पर भूत लौटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप देखते रहो कि दो चरणों में भूत बूथ पर भूत लौटे हैं तो आगे भी जो बूथ है उस पर भूत लौटेंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ बघेल के बारे में उन्होंने कहा कि ये दोस्ती बढ़ाने आए हैं, ये सभी पार्टियों में रहे, ये बसपा में रहे, ये सपा में रहे, ये भाजपा में है और ये हमसे दोस्ती बढ़ाने आए हैं कि चुनाव के बाद वो एडजस्टमेंट समाजवादी पार्टी में उनका हो जाए। तो लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि इनको बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाए, लेकिन साथ ही व्यंग भी किया कि बूथ जो है ना वहां पर करहल में भूत नाचेंगे, आप देख लीजिएगा, लोग नहीं मिलेंगे, उनको बस्ता लगाने वाले नहीं मिलेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कल यहां पर कहा। मुलायम सिंह यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव इटावा में मौजूद हैं, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं, शिवपाल यादव भी इटावा में मौजूद हैं और घर पर धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव अंदर हैं। वहां अखिलेश यादव के साथ बैठक चल रही है, बैठक के बाद अखिलेश यादव निकलेंगे और सीधे कानपुर जाएंगे और ये जो रास्ता है सैफई का, यहां से हवाई पट्टी 10 किलोमीटर की है और इस बंगले से निकलेंगे। इंतजार हम लोगों का भी है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी है। सिक्योरिटी के लोग अब अलर्ट हो चुके हैं और इसी रास्ते से ये जो घर है सैफई का, इस पार से उस पार जाता है। एक पुराना घर है मुलायम सिंह यादव का जो उस पार है, यानी सड़क के उस पार है। तो ये घर यहाँ से लेकर लगभग 4-5 एकड़ में है। तो ये घर का जो गेट है ये नया गेट बना है और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से हवाई पट्टी जो है वो 10 किलोमीटर दूर है जो दिख रही है, यानी सैफई की हवाई पट्टी, और यहीं से निकलेंगे, इसी गेट से निकलेंगे अखिलेश यादव और हवाई पट्टी पर जाएंगे और वहां से कानपुर जाएंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये सैफई गांव नहीं बल्कि शहर से, किसी महानगर से भी ज्यादा सुख सुविधाओं वाला है। और जो फोटो सेशन भी चल रहा है, देखिए अखिलेश यादव बाहर आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश है, जोश हाई है, ये भी हमने देखा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वही कन्नौज की सदर सीट से 3 बार